मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 167 केंद्रों पर कुल 11,019 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 3,068 और सेकेंड डोज लेने वालों में 7,951 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में अब तक 32,95,000 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने जनता से अपील किया है कि जो भी अपना फर्स्ट डोज लगवाने के बाद सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं, वो अपने नजदीकी सेंटरों तथा जिला अस्पताल पर जाकर सेकेंड डोज अवश्य लगवा ले। उन्होंने बताया कि अभी भी फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लेकर 10,00,000 से ज्यादा लोग टीका लगवाने से वंचित हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 167 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है। अभी तक हमने 32,95,000 से ज़्यादा डोज लगा दिए हैं। 23,63,000 से ज़्यादा फर्स्ट डोज और 9,31,000 से ज़्यादा सेकंड डोज लगाए हुए हैं। आज हमारे जनपद में जिला अस्पताल, महिला पुरुष, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, संचारी रोग और हमारी सभी अर्बन पीएससी और रूरल पीएससी सीएससी से सब सेंटरों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। जनता से क्या? जनता से अपील है कि कोरोना को मात देने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। हमारे सभी सेंटरों पर, सरकारी अस्पतालों पर वैक्सीनेशन फ्री में, मुफ्त में हो रहा है। सभी लोग आएँ और अपना वैक्सीनेशन कराएं। अभी फर्स्ट डोज लेने वालों की 10,00,000 से ज़्यादा लोग बचे हुए हैं जो फर्स्ट डोज अभी नहीं लिए हैं। सेकेंड डोज 3,00,000 से के आसपास सेकेंड डोज के लोग बचे हुए हैं, जिनका समय पूरा हो चुका है, वो लोग भी हमारे सेंटरों पर आएँ। अगर ऐसा है कि कुछ ज़्यादा भी समय अगर पूरा हो गया है, तब भी वो अपने हमारे सेंटरों पर आकर के वैक्सीनेशन कराएं। ऐसा नहीं है कि 84 दिन से 10-15 दिन और बढ़ गया है तो वैक्सीनेशन कराना नहीं है। तो जब भी आपको मौका मिले, आप तुरंत आइए और वैक्सीनेशन अपना कराइए और पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो जाइए।